केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, जीपे के आउटगोइंग चेयर जापान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी, मेंबर कंट्रीज के अन्य मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये समिट एक ऐसे समय हो रही है जब एआई को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव गांव तक पहुंच रही है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में
हमारा विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सके। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। हम अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई स्किल्स को टीयर टू और टीयर थ्री शहरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास नेशनल एआई पोर्टल है जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। आपने एरावत इनिशिएटिव के बारे में भी सुना होगा। इस कॉमन प्लेटफॉर्म का उपयोग बहुत जल्द सभी रिसर्च लैब, इंडस्ट्री और स्टार्टअप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए एआई को अपने भविष्य के लिए अलग प्रकार के एआई की भी जरूरत पड़ेगी, यानी एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस की वजह से समाज में मौजूद असमानताएं और बढ़ गई थी। अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें।
इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। फ्रेंड, किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई ट्रांसफॉर्मेटिव तो है ही, लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। अगर हम इस्तेमाल हो रहे डेटा और एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट और फ्री फ्रॉम बायस बना सके तो एक अच्छी शुरुआत होगी। हमें दुनिया भर के लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि एआई उनके लाभ के लिए है, उनके भले के लिए है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एआई पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब एआई से जुड़े एथिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग एआई के ग्रोथ कर्व का हिस्सा बन जाए तो युवा ये भरोसा कर पाएंगे कि एआई उनके भविष्य की बेहतरी के लिए है। अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो लोग यकीन कर पाएंगे कि एआई उनकी प्राइवेसी में दखल दिए बिना विकास को आगे बढ़ाएगा। अगर ग्लोबल साउथ को यह पता होगा कि एआई के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे भविष्य के एक रास्ते के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर
ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले दो दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें यह सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सके। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वॉटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स जरूर विचार करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों बोलियां हैं। डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एआई की मदद से स्थानीय भाषा में डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडियाज एक्सचेंज करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगी। मैं चाहता हूं
कि इस समिट में शामिल होने वाले हर डेलीगेट के लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हो। अगले दो दिनों तक आप एआई के विभिन्न पहलू पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे, इन पर अमल करके हम एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण का रास्ता जरूर सशक्त करेंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।